चेहरे पे। गाना ये होता है कि नींबू संतरा भाई श्री इस्लाम में कोई छोटी कंपनी नहीं है, उसने खुद गवाया ये गाना श्री ने, ये संतरे जैसे गाल। भाई कंपनी कहेगी तो हम गा सकते हैं, क्या हुआ पैसा मिलता है हमें। जी जी, लेकिन आजकल पब्लिक चाहती ये है, अगर हम सीधा सीधा गजल गाएं कोई सुनने नहीं चाहता है। मेरे पास ऐसी गजलें हैं, जा रे कबूतर मेरा खत ले जा, मेरे सनम को जल्दी दे किया, खुद का मेरा वॉल्यूम है, तमाम वाक्यात एक से एक बढ़िया, लेकिन करना पड़ता है भाई लोगों की खातिर। सुनो, के दिन में तारे दिखा के छोड़ूंगा और उंगलियों पर नचा के छोड़ूंगा। सोफिया, दिन में तारे दिखा के छोड़ूंगा और उंगलियों पर नचा के छोड़ूंगा, और बन गया मैं अगर मजनू तो तुझको लैला बना के छोड़ूंगा। जी ओ मजनू के नाना, इसका वाले पढ़ाई। और तुम लैला की नानी हो? अरे तुम तो मजनू के, यहाँ मजनू के नाना है, तुम लैला की नानी हो। बात बात, अरे शेर सुनो मेरा, पहले मैं क्या कह रही हूँ सुनाइए। अरे हम ऊंचे लोग हैं, नीचे नहीं बैठना चाहते हैं, इतना भी ऊंचाई हम पसंद नहीं करते हैं, इससे भी नीचा बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। खर्च में बोल के दिखाओ, लेकिन तेरी मोहब्बत का गुलशन उजाड़ दूंगी। क्या कहने जियो, तेरी मोहब्बत का गुलशन उजाड़ दूंगी और तुझको कागज की तरह फाड़ दूंगी, फाड़ दूंगी, और मुझे पानी की हसरत दिल से निकाल दे, मुझे पानी की हसरत दिल से निकाल दे, वरना आज मारूंगी तुझे इतना कि हुलिया बिगाड़ दूंगी। मारूंगी हुलिया बिगाड़ दूंगी जी। अच्छा, लेकिन जिंदगी पायमाल कर दूंगा, तेरा जीना मुहाल कर दूंगा, कहना के जिंदगी पायमाल कर दूंगा और तेरा जीना मुहाल कर दूंगा, और मेरा हुलिया बिगाड़ने वाली गाल मलमल के लाल कर दूंगा। दोनों मेन का वॉल्यूम बढ़ाइए पहले। ठहर गद्दार तेरा रंग झाड़ सकती हूँ। वाह, क्या कहने, ठहर गद्दार, गद्दार ए गद्दार, वो क्या कह रही हो मेरी गद्दारनी? अरे मैं गद्दार हूँ, तुम गद्दार नहीं हो। गद्दार नहीं, मैं बिलन, तुम बिलनिया, और तुम बन जाओ मेरी दुल्हनिया। तुम तो जेल से भागे हो बेटा। अरे नहीं, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट यू शट अप, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम, शट अप, राइट द टाइटल ऑफ द शेर, शट अप, शकील सिकंदराबादी। सर सर, I always forget to tell you that I love you so much. And just ये English नहीं आती है, मैं बदतमीज वाली। भाई ये कौन सी मैंने गाली बक दी? पढ़ा लिखा मौजूद है, पूछो उठा के। अभी कह रहे थे हमारे भाई। भाई I love you बोला है, कुछ गलत बात नहीं बोली। लेकिन अभी ये I love you भी बोल रहे थे। मैंने इनसे कहा I hate you। इनसे कौन मोहब्बत करेगा यार? शकल देखो इनकी यार। ये बात है। उस्ताद लोग हैं, 12 बज रहे हैं शकल पे। लेकिन ठहर गद्दार तेरा रंग झाड़ सकती हूँ, और दो चार मिनटों में तुझको पछाड़ सकती हूँ, सकती हूँ, और उखाड़ नहीं सकता तू कुछ भी मेरा है, उखाड़ नहीं सकता तू कुछ भी मेरा, क्योंकि मैं अपनी नाम का झंडा इस महफिल में गा सकता हूँ। झंडा, लेकिन भाई ये तो बताओ झंडा गलेगा कैसे? कहना कौन कहता है कि गाले से गड़ नहीं सकता, कौन कहता है उखाड़े से उखड़ नहीं सकता, और तेरे झंडे को जरूरत पड़ेगी मेरी डंडे की, मेरे डंडे बगैर तेरा झंडा गड़ नहीं सकता। लेकिन
तोबा सारा भाई गलत बात नहीं होगी, गलत बात नहीं होगी। नहीं नहीं सर कलम कर देना अगर गलत बात हो। नहीं अच्छा क्योंकि झंडे के बगैर झंडा बहुत झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमने स्कूल में बहुत उठाए झंडे। अच्छा सही सही बहुत अच्छे बेटा जी दे रहा हूँ, लेकिन सारा मूड खराब कर दिया फिलहाल मैं वो बिजली हूँ सुनती वाले ए जी, मैं वो बिजली हूँ सुनती वाले अंधेरा रोशनी में बदल देती हूँ। अरे वाह रोशनी, मैं वो बिजली हूँ सुनती वाले अंधेरा रोशनी में बदल देती हूँ और तुम्हारे जैसे आशिकों को तो मैं चुटकी से वसल देती हूँ। अरे लेकिन बेशक इसकी आंखों में कोई जादू है, क्या ये तो कुछ भी कर सकती है, इसकी आंखों में कोई जादू है, रोज लड़के नए फंसाती है और सामना मर्द से जब होता है तो तुम दबा कर ये भाग जाती है। बोलो मंसूर हतरा कहते हैं ये आर्य पुस्ताद के गांव से, मंसूर अहमद खान आर्य भाई के पड़ोसी हैं ये हमारे उस्ताद के। अच्छा मोहतरम उस्ताद मोहतरम आरिफ साहब के। अच्छा उस्ताद के, लेकिन माना दिल तोड़ना तेरी आदत है। बहुत अच्छी लगती हो, हंसा करो रसगुल्ले खिला दूंगा तुम्हें। अरे जियो माशाल्लाह पसंद है मुझे, फेवरेट है भाई माय फेवरेट। लेकिन उस्ताद की गजल सुनो, उस्ताद के कते सुनो। इस टाइम वाकई में तुम रसगुल्ले खिलाने के काबिल हो, हलवाई लग रहे हो पक्के। मगर आप माना दिल तोड़ना तेरी आदत है बस समझो। अरे शेर सुनो उस्ताद के शेर है, माना दिल तोड़ना तेरी आदत है मगर ये दिल टूट जाने की चीज नहीं। माना दिल तोड़ना तेरी आदत है मगर ये दिल टूट जाने की चीज नहीं, और तुझको रुसवाना कर दूं इस भरी महफिल में तो तू भी कह देना कि सूफिया कोई चीज नहीं। लेकिन जो मुश्किल से बहुत मिलता है वो रंगीन होता है। सुबैर भाई यार ध्यान दो जरा यार, थोड़ा बोनी बट्टा करते रहो यार, और हमारे राजा भाई कहां है वो हसीन भाई के साथ भाई, राजा भाई बट्टा करा। के जो मुश्किल से बहुत मिलता है वो रंगीन होता है, और सुबान यार का हर बोल तो संगीन होता है, और जी चाहता है चूम लू सोफिया तेरी जवानी को, सुना है अब हसीनों का बदन नमकीन होता है। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर भाई का। अभी कह रहे थे दोनों का ख्याल रखिए मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। हसीनों का बदन नमकीन होता है, खुद को जो इतना हवादार समझ रखा है, खुद को जो इतना हवादार समझ रखा है, खुद को जो इतना हवादार समझ रखा है, और क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है। तुम तो रेत की भी नहीं हो, बिल्कुल मिट्टी बालू मिट्टी की हो। अरे अभी रुको, अभी पता चलेगा कौन रेत की और कौन चीकट मिट्टी है। चीकट मिट्टी चीकर मिट्टी, तुम तो ये मिट्टी भी नहीं हो, गाँव की मिट्टी भी अच्छी होगी। हमारा नाम है दिलदार खान, जरा इधर को करो अपनी दुकान। दिलदार खान जरा अपना दिल इधर को दीजिए जी, कि खुद को जितना हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है, और कहीं तू बेमौत मारा ना जाए, कहीं तू बेमौत मारा ना जाए, तूने यारों को मददगार समझ रखा है। लेकिन तेरे दिमाग से सारा फितूर निकलेगा, यारों को मददगार तो सभी समझते हैं यार, हमारे जो यार हैं ये सामने हमारे भाई हैं वो मददगार हैं। आलम निजामी मुंबई से कहते हैं कि तेरे दिमाग से सारा फितूर निकलेगा और मेरी वफा का नतीजा जरूर निकलेगा, और ना सर उठा के चलो सोफिया पत्थरों की बस्ती में, लगेगी ठेस तो सारा गुरूर निकलेगा, लगेगी ठेस तो सारा गुरूर निकलेगा। लेकिन पासा आप भी आ जाओ, थोड़ा सा हम भी आ जाएंगे, दोनों का गाना हो जाएगा बजाना पासा। अच्छा ये पास नहीं आ सकते, पहले अपने साथ वालों से तो पूछ लो।
पूछ लो। अरे पूछ लिया, हम तो आ जाएंगे। लेकिन पास आप मुस्कुराने से क्या फायदा, और दिल जलों को जलाने से क्या फायदा। के पास आ, पास आ।